हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ग्लैंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमारे संकल्प बैच में टारगेट नंबर 10 की क्लास होगी, जो कि पूरी तरीके से आप लोगों को पता है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 और उसके साथ साथ यूपी आरओएआरओ 2024 के लिए तैयार किए गए ये टारगेट्स, जो पूरी तरीके से पीवाईक्यू एनालिसिस और जो सेलेक्ट हुए 3-4 एस्पिरेंट हैं जिनसे मेरी बात होती रहती है, उनके अनुभवों के साथ साथ जो मैंने भी 2 बार प्रीलिम्स निकालकर मेंस लिखा है 2022 और 23, इन अनुभव के साथ मैं शेयर कर रहा हूं आपसे कि किस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्ट वाइज, जहां पर सबसे पहले आपकी नजर जानी चाहिए और सबसे पहले आपको वही टॉपिक तैयार करने चाहिए, जिससे फायदा क्या होगा कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं ना, वहीं से रिपीट होकर घूम फिर कर आते हैं, चाहे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो, चाहे एक्सप्लेनेशन से हो, या फिर नए फैक्ट से मिलाकर हो। तो इस तरीके से आप देखोगे कि अगर आप ये टारगेट डेली टू डेली कंप्लीट कर रहे हो, 24 आवर में एक एक जो टारगेट मैं दे रहा हूँ, उसमें आपका कहीं ना कहीं पूरा जो है कि प्रीलिम्स के एग्जाम से पहले, जैसा कि प्रीलिम्स का एग्जाम अक्टूबर में होने वाला है, शायद प्रस्तावित हो रहा है, और नवंबर में आरओएआरओ, उस समय तक हम प्रीलिम्स की बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी कर लेंगे। और जो लोग मेरे इस सेशन से जुड़े हुए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, इस पे जो है कि यूट्यूब पर वीडियो दे रहा हूँ, वहां पर उन लोगों ने काफी अच्छे रिप्लाई किए, काफी अच्छे फीडबैक भी दिए, टेलीग्राम चैनल पर भी आप देख सकते हो कि उन लोगों की डेली रूटीन से पढ़ाई होने लगी है। तो अगर आप लोग भी पहली बार इस क्लास से जुड़ रहे हो, तो मैं चाहूंगा कि अब हम आज एक नया सिलेबस शुरू कर रहे हैं, यानी कि नया सब्जेक्ट, तो फिर आने वाले जो 8 से 9 टारगेट में उसको स्किप कर दीजिए, वो बाद में कर लेना, लेकिन पहले जो आज से मैं शुरू कर रहा हूँ, जैसे मैंने कल पॉलिटी कराया और साथ में आज हम इंडियन ज्योग्राफी को शुरू कर रहे हैं, तो आप आज से भी इसको शुरू कर सकते हो। और ये चाहे आप हाउस वाइफ हो, या वर्किंग प्रोफाइल में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, या प्राइवेट सेक्टर में हो, या फिर किसी भी तरीके के काम काज में अगर आप व्यस्त हैं, तो भी आप इजिली अगर 5 से 5.5 घंटे निकाल लेते हो, तो मैं कहता हूं कि आपकी तैयारी एक सही डायरेक्शन में चलेगी और बहुत कुछ आप में कॉन्फिडेंट आएगा कि हाँ, हमारी तैयारी अब सही चल रही है। तो इसी कड़ी में शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। और आज हमने सबसे पहले पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें कि मैंने पहले जो कल दिया था आपको, संविधान सभा के निर्माण कैसे हुए, उसके लिए क्या समितियां थी, उसके कौन कौन से सोर्सेस थे, ये सारी चीजें आप लोगों ने कवर कर ली होगी, बहुत ही कम समय लगा होगा। आज हम लोग बात करेंगे प्रमुख अनुच्छेदों पर, ठीक है। सोर्सेस के बारे में आपको बीच में बता दूंगा या फिर वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि तो सबसे ज्यादा जो डाउट होता है वो सोर्सेस को लेकर होता है। मेरे पास भी कई लोगों के फोन आते हैं, बात करता हूं मैं, तो उनके जो डाउट होते हैं कि सर, जो टारगेट है वो तो समझ में आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए सोर्सेस कौन से ऐसे फॉलो करें जो इजीली हमें अपने टारगेट्स को अचीव करने में मदद करेंगे, तो वो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो प्रमुख अनुच्छेद आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। प्रमुख अनुच्छेदों में क्या होते हैं, कई सारे ऐसे आर्टिकल होते हैं जो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड होते हैं, कुछ ड्यूटीज से होते हैं, कुछ आपके राष्ट्रपति से होते हैं, कुछ संसदीय व्यवस्था से होते हैं, आपातकालीन व्यवस्था से होते हैं। अब यहाँ पे आपको पूरे 395 अनुच्छेद याद नहीं करने, केवल कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं और जो बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। जैसे अगर आप देखोगे आर्टिकल नंबर 248, आर्टिकल नंबर 249, आर्टिकल नंबर 250 और आर्टिकल नंबर 252 और आर्टिकल नंबर 253, ये कुछ 4-5 आर्टिकल हैं जहां से बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको पढ़ने हैं, जो कि घटना चक्र पब्लिकेशन जो आती है पूर्वालोकन सीरीज 2023 का एडिशन या 2024 का, तो उसमें एक चैप्टर ही दिया हुआ है। जितने भी पीवाईक्यू आए हुए हैं उनमें जहां जहां पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो सारी चीजें वहां पे दी हुई हैं। शासन प्रणाली को आपको पढ़ना है, जैसे भारत की जो शासन प्रणाली वो संसदीय शासन प्रणाली है, तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये व्यवस्था कहाँ से ली गई, उसमें कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं होती हैं, प्लस इसका अध्यक्षात्मक जो शासन व्यवस्था है जो राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है, यानी कि राष्ट्रपति वहाँ पे शासन करते हैं, जैसे यूएसए के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वेसर्वा होता है, वहाँ पे प्रधानमंत्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ब्रिटेन में देख लो, भारत में देख लो, कनाडा में देख लो, ऐसी जगहों पर आपको संसदीय व्यवस्था देखने को मिलती है। तो इन दोनों की विशेषताएँ क्या है, इन दोनों में डिफ्रेंसेस क्या है, ये आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से हर साल एक ना एक प्रश्न आपसे या तो संसदीय व्यवस्था की विशेषता करके पूछता है, या अध्यक्षात्मक की पूछता है, या फिर दोनों में कंपैरिजन करके पूछ लेता है तुलना करके। वहीं एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर है राज्य और यूनियन टेरिटरीज, इनकी दोस्तों बस केवल आपको क्रोनोलॉजी यानी क्रम के अनुसार स्थापना वर्ष को याद रखना है, कि जैसे सबसे पहले आंध्र प्रदेश का निर्माण होता है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात अलग होते हैं विदर्भ से, फिर आपके पंजाब हरियाणा अलग होते हैं, नागालैंड कब बनता है, असम से निकलने वाले जो राज्य होते हैं, सिक्किम की स्थापना, गोवा की स्थापना, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ की स्थापना, तेलंगाना की स्थापना, जम्मू कश्मीर की स्थापना, तो ये अलग अलग जो है कि क्रोनोलॉजी में कई बार प्रश्न आता है मिलान करने के लिए। और अक्सर आप देखोगे चाहे आरओएआरओ प्रीलिम्स में देख लो, या मेंस में देख लो, या फिर आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में देखो, तो इस तरीके के प्रश्नों को एग्जामिनर कई बार रखता है, और ये सीधे तथ्यों पर आधारित होते हैं कि हाँ, ये जो ईयर है, इस ईयर में ये राज्य बना या इस साल में ये राज्य बना, तो अक्सर यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है, लैक ऑफ रिविजन, रिविजन नहीं होने की वजह से।
या फिर आप इन लोगों इन चैप्टर्स को पढ़ते नहीं हो, तो इस वजह से ये प्रश्न आपके डाउट में गलत हो जाते हैं, तो इसको पढ़ना है। साथ में आपको पढ़ना है अगला नागरिकता, जो कि आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक के बारे में दी हुई है कि आर्टिकल 5 क्या कहता है, 6 क्या कहता है, 7 क्या कहता है, या फिर आर्टिकल 11 के अंतर्गत संसद को कैसे अधिकार दिए गए नागरिकता कानून बनाने के लिए, उनको चेंज करने के लिए, किसी व्यक्ति की नागरिकता कितने प्रकार से छीनी जा सकती है, किसी व्यक्ति को हमारे भारतीय संविधान के अनुसार 5 प्रकार की जो नागरिकता है, जन्म से, वंश से, देशीकरण, पंजीकरण या अधिग्रहण से, तो ये सारे प्रोविजंस आपको पता होने चाहिए। और बहुत ही कम समय में आप लोग ये चीज एक एक बार दो दो बार पढ़ लोगे। अगर आप बिगनर हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है टारगेट को फॉलो करना। अगर आप जो है कि पहले से तैयारी कर रहे हैं और आप लोग जो है कि एक दो बार प्रीलिम्स दे चुके हो या प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा है, तो नो डाउट आपको ये सारी चीजें पता होगी और आपको रिविजन करने में बहुत कम समय लगेगा। लेकिन जो बिगनर है उन्हें भी मान के चलता हूँ कि 2-2.5 घंटे में पॉलिटी का ये सारा सेगमेंट कवर हो जाएगा। अगर ईमानदारी से बैठोगे, मोबाइल की रील्स स्क्रॉल करना छोड़ दोगे, तो पता चला 10 मिनट पढ़ते हो, 20 मिनट मतलब रील्स देखते हो, फिर आधा घंटा पढ़ते हो, फिर 20 मिनट रील्स देखते हो, तो ये गलत बात है। ये आदत सुधार लो अपनी, नहीं तो फिर बाद में रील्स ही देखते रहोगे और कुछ नहीं बचेगा आपके पास। फिर अब यहाँ पे ये 4 चैप्टर तो आपके स्टार्टिंग के थे, लेकिन मैंने बीच में 2 चैप्टर ऐसे उठाए जहाँ से हर साल एक प्रश्न आ जाता है। जैसे आर्टिकल नंबर 280 के अंतर्गत वित्त आयोग को आपको पढ़ना है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, कितने अध्यक्ष होते हैं, ये आपको पढ़ने, जो 5 होते हैं, 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, फिर इनके कार्य प्रणाली कैसी होती है, इसके बारे में पढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप PYQ उठाओ, पिछले 5 साल लगातार ये प्रश्न पूछा गया, क्या कि जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन थे, पहले वित्त आयोग, दूसरे वित्त आयोग, तीसरे वित्त आयोग, उसके बाद आपसे लेटेस्ट पूछा था 12 नंबर पे, 13 नंबर पे, 14 नंबर पे, 15 नंबर पे, और अभी 16वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है। किसके नेतृत्व में हुआ? अरविंद पनगड़िया जी के नेतृत्व हुआ है। 15वां तो एनके सिंह के नेतृत्व में चल ही रहा है, लेकिन 16वां जो वित्त आयोग है, जिसको 2025 से लेकर 30 तक के बारे में रिपोर्ट सबमिट करनी है, ये 16वां वित्त आयोग अरविंद पनगड़िया जी के नेतृत्व में है। तो ध्यान देना कि इस चीज को करंट अफेयर्स बना के बेसिक प्रश्न पूछ लेगा आपसे, तो वित्त आयोग आपको इजिली रटने में आसानी रहेगी और आप तैयार कर लोगे। और एक और प्रोविजन इसमें, आपात उपबंध, जो कि आर्टिकल नंबर आपको कहाँ पे मिलेंगे, 352, 356 और 360, और इनसे रिलेटेड कैसे जो है कि 355, 358 और 359, ये 3 आर्टिकल कैसे इनसे कनेक्ट करते हैं, इन चीज़ों को भी आपको कवर करना है। तो आज केवल आपको बस पॉलिटी में इतना ही पढ़ना है। और कुछ लोग जो है कि परेशान हो रहे हैं कि सर टारगेट आप ज़्यादा दे रहे हो, तो भाई देखो सिलेबस बहुत बड़ा है, आपको भले अक्टूबर में परीक्षा देने को मिल रहा हो, लेकिन मैं जुलाई के हिसाब से चल रहा हूँ। अगर जुलाई के हिसाब से चल रहा हूँ, जैसा आयोग ने अपने रिटर्न पेपर में लिखा था कि हम जुलाई में प्रस्तावित कर सकते हैं इस एग्जाम को, तो कम से कम इतना तैयार होना चाहिए कि आपको 80 से 90 क्वेश्चन डायरेक्ट मिलने चाहिए। और अगर आपका पेपर अक्टूबर में होता है तो और अच्छा है, जुलाई तक अगर आप इन टारगेट्स को कंप्लीट कर लेते हो ना, तो मेरा बिना कहे भी आप इसको रिवीजन करते रहोगे बीच बीच में, और फिर वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। और मैंने पहले ही कहा था कि ये जितने भी मैं टारगेट दे रहा हूँ, ये आप लोग अपनी एक डायरी मेंटेन करिए, जिसमें टारगेट के नंबर के साथ मेंटेन करिए, टारगेट नंबर 1 में हमने ये लिखा, 2 में ये पढ़ा, 4 में ये पढ़ा, 10 में ये पढ़ा, क्योंकि जब आप एग्जाम के समय मैं आपको जब रिवीजन दूंगा बीच बीच में ना, तो आपको बार बार ये पूरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। आपको क्या करना, अपनी डायरी को उठाना है और वहां से बस देखना है कि हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं और इन टॉपिक के साथ हमने क्या चीज़ें पढ़ी हैं, क्योंकि आपको उस समय एक सब्जेक्ट नहीं फॉलो करना है। जिस तरीके से, जैसे टारगेट नंबर 10 को मैं 1 महीने बाद कहूँगा आपको रिवीजन करना है, तो टारगेट नंबर 10 में आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, PYQ पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, तो बस उतना ही सेगमेंट आपको पढ़ना है, यानी सेम रिपीट करना है अगले 24 आवर वाले को। अब आते हैं इंडियन ज्योग्राफी, क्योंकि कल मैंने बायोलॉजी को कंप्लीट करा दिया था, अब अभी आप लोग वेट करिएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री के टारगेट के लिए या मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री के लिए, क्योंकि हमें सब्जेक्ट को बदलते रहना चाहिए। अगर हम सब्जेक्ट एक ही पढ़ेंगे ना, तो बोरियत होती है दोस्तों, फिर इंटरेस्ट नहीं बनता है। मैं अगर कहूँ एंशियंट खत्म हुई, फिर मेडिवल, फिर मॉडर्न, वही युद्ध, मार काट, संधि, शोषण, इन्हीं सब चीज़ों में ना बोरियत हो जाती है। थोड़ा थोड़ा बदलना चाहिए, इसलिए मैंने पॉलिटी रख दी। अब बायोलॉजी के बाद फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री करेंगे, तो फिर वही विज्ञान, केमिकल, रसायन, ह्यूमन बॉडी, इन सब में, इन सबसे थोड़ा बाहर निकलो, बायोलॉजी की ज्योग्राफी पढ़ो। जब ज्योग्राफी में थक जाएंगे पढ़ के नदी, पहाड़, पर्वत, तो हम लोग जो है कि दोबारा हिस्ट्री में आ जाएंगे, या अर्थव्यवस्था को पढ़ लेंगे, या एनवायरनमेंट पढ़ लेंगे। तो चीजों को बदल बदल के पढ़ना चाहिए, जिससे आपका पढ़ाई में कंसंट्रेशन भी बने और मन भी लगता रहे और साथ में टारगेट भी आपके पूरे हो। तो चलिए अब ज्योग्राफी में मैं देखिए क्या देता हूं। आपका घटना चक्र में ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है वो सामान्य परिचय है। यहाँ से आप देखोगे पिछली बार ही UPPCS प्रीलिम 2022 में यहाँ से आपके इन चारों स्टेटमेंट को मिला के, इन चारों चीज़ों को मिला के एक प्रश्न सीधा सीधा पूछ लिया गया था UPPCS प्रीलिम्स में 2022 में 3 स्टेटमेंट के द्वारा, क्लियर है। तो ये चीज़ आपको पढ़नी, जैसे भारत का क्षेत्रफल कितना है, जैसे 32,87,000 कुछ है, ठीक है, एग्जैक्ट फिगर मुझे भी याद नहीं है, तो आप लोगों को फिगर याद करनी है, इसके बारे में और भी जानकारी देखनी है,
कि उस क्षेत्रफल में कितना जो है कि मरुस्थल है, कितना मैंग्रोव वनस्पति, ये सारी चीज़ें। फिर ऐसे ही आपको अक्षांशीय विस्तार देखना है कि क्या 6 डिग्री 4 मिनट किसे कहते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट किसे कहते हैं, कैसे 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। देशांतरी विस्तार आपको देखना है कि किस तरीके से हमारा 97 डिग्री तक देशांतरी विस्तार जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। कर्क रेखा और भारत के बीच में क्या संबंध है, भाई कर्क रेखा कितने राज्यों से जाती है ये आपको पढ़ना है, प्लस कौन कौन सी ऐसी राजधानियां हैं जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है या तो फिर जो है कि दक्षिण में स्थित है, और कौन सी ऐसी राजधानी जो कर्क रेखा के एकदम नजदीक में स्थित है, निकटतम बिंदु पे, या फिर कौन सी ऐसी नदियां हैं जो कर्क रेखा को दो बार काटती है, कर्क रेखा की इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी लोकेशन आपको पढ़नी है। इसी तरीके से मानक समय रेखा भी आपको पढ़ना है। पहले अभी ये बेस है, आपका बेस तैयार होगा इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, अर्थात भारत के नक्शे के बारे में आप एक विजुलाइज कर पाओगे कि हमारा भारत उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम इस तरीके से फैला हुआ है, और इसके आसपास ये प्रमुख कंट्रीज हैं, ये प्रमुख जो है कि लोकेशन है, जिससे आप भारत का एक विजुलाइज कर पाओगे इन चीज़ों को। और ध्यान देना, अब इंडियन ज्योग्राफी अगर आप पढ़ रहे हो तो अपने साथ हमेशा एटलस मैप को लेकर बैठो। एटलस मैप ना भी हो तो आपके वॉल पे, जहां आप स्टडी कर रहे हो, आपके दीवार के सामने ही, आपकी आंखों के सामने भारत का एक नक्शा लगा होना चाहिए, पॉलिटिकल और फिजिकल, ताकि आप बार बार उन चीजों को देखो, तब जो है कि आपकी भारत पे कमांड अच्छी होगी, अगर आप बिगनर है तो। ठीक, मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री के बारे में पूछा जाता है, ईस्ट में है कि वेस्ट में है, यानी पूर्वी है कि पश्चिमी देशांतर, कितने राज्यों से जाती है, भारत में यूपी में कौन से जिले से होकर जाती है या एमपी में कौन से जगह से होकर जाती है, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। और कैसे जो है कि इसकी वजह से समय टाइम ड्यूरेशन हम कंप्लीट करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में कैसे 2 घंटा पहले सूर्य उगता है या फिर गुजरात में कैसे लेट होता है, इनके बीच में क्या बात है, तो ये रिलेशन आपको देखनी है। वहीं दूरस्थ बिंदु की बात करेंगे तो भारत का जो है कि इस तरीके से नॉर्थ वाला सबसे दूरस्थ बिंदु कौन सा है, दक्षिण का कौन सा है, कन्याकुमारी के पास कौन सा है, कार निकोबार के पास कौन सा है, फिर अरुणाचल प्रदेश के पास पूर्वी क्षेत्र में कौन सा है, गुजरात के गोरा माता, गुहार मोती जिसे कहते हैं, ये कौन से होते हैं, इनके बीच में सारे कनेक्शंस क्या हैं, इनको आपको पढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट आता है फिर आपका सीमावर्ती देश। अब सीमावर्ती देश दो तरीके के होते हैं, एक आपके देश होते हैं जो स्थलीय देश होते हैं, ठीक है, जो बाउंड्री वगैरह शेयर करते हैं, एक आपके होते हैं समुद्री देश, जैसे अगर मैं कहूँ श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, ठीक है, ये आपके समुद्री बाउंड्री शेयर करते हैं, लेकिन वहीं स्थल पर आप देखोगे पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ऐसे देश हैं, और इनमें कुछ देश ऐसे हैं जो स्थल और समुद्र दोनों की सीमा साझा कर रहे हैं, जैसे आप देखोगे पाकिस्तान हमारा स्थल और समुद्र दोनों साझा करता है, बांग्लादेश स्थल और समुद्र दोनों साझा करता है, म्यांमार स्थल और समुद्र दोनों साझा करता है। तो इस तरीके के देशों में फिर कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो इनके साथ बाउंड्री कनेक्ट करते हैं, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनके साथ लंबी सीमा बनती है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अब यहाँ पर रिवीजन के तौर पे अभी मैं करंट अफेयर्स में आपको फरवरी 2024 को ही लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि लगभग हमारा टारगेट है कि हर एक मंथली मैगजीन को 5 से 6 दिन में खत्म करना है। जैसे टारगेट नंबर 5 तक आपने जनवरी 2024 कंप्लीट की, अब टारगेट नंबर 10 तक आप लोगों को फरवरी 2024 कंप्लीट कर लेंगे। इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेलकूद, बजट, सारी चीज़ें आपने पढ़ ली है। केवल एक बच रहा था आर्थिक घटनाक्रम, जो नेशनल और यूपी स्पेशल का घटनाक्रम था, आज उसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। रिवीजन कैसे करना बीच बीच में आपको देते रहूंगा, और जो बचे हुए टॉपिक अगर आपको लगता है कि आपने आर्थिक घटनाक्रम को मुश्किल से मुश्किल 20 मिनट पढ़ लिया, तो कम से कम अभी आप इस पे आधे घंटे और दीजिए करंट अफेयर्स पे, यानी करंट अफेयर्स पे कम से कम 60 मिनट तो पूरे ईमानदारी से दीजिए। 20 से 25 मिनट में अगर आपने कुछ चीज़ों को पढ़ लिया, पॉइंट टू पॉइंट हाईलाइट कर लिया, तो यहाँ पे फिर आपको रिवीजन भी करना चाहिए जो पढ़े हुए टॉपिक आपने कंप्लीट किया होता है, जैसे नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक्स, या फिर साइंस, एनवायरमेंट, या इसमें आपका यूपी स्पेशल, खेलकूद, ये सारी चीज़ें। और पीवाईक्यू के बारे में, जैसे कल मैंने यूट्यूब पर एक स्टूडेंट की कमेंट पढ़ी थी कि सर एक साथ हमसे 10 साल का नहीं हो पा रहा है, प्लीज़ आप 3 से 4 साल का करके दीजिए, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि ठीक है आप 3 से 4 दिन तो नहीं, लेकिन मैं आपको 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, जैसे कल भी मैंने दिया था 24 आवर का समय, और आज भी दे रहा हूँ, आप लोग ऐसे कंप्लीट करो दोस्तों। अगर आप 3-4 साल का देख रहे हो, तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि एक साल में मान लीजिए कि 18 क्वेश्चन आ रहे हैं, और 10 साल में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 180 क्वेश्चन है मेरे भाई, और 180 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन आप 2 घंटे में करते हो कि नहीं करते हो यूपी प्रीलिम्स में, पीसीएस में, व्याख्या को अगर मैं ऐड कर लूँ तो इसमें एक घंटा और मान लो, लेकिन आप जब केवल सब्जेक्ट के आप 180 प्रश्न कर रहे हो, तो 180 प्रश्न में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर मैं इसे 3-4 साल करने लगूंगा ना, तो मुश्किल से आपको क्या मिलेगा, केवल 60 से 70 क्वेश्चन करने को मिलेंगे, अब वो इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा, आप टारगेट को फिर स्लो मोशन में लेके चलोगे कि नहीं हमारा टारगेट स्लो हो गया है।
ठीक है। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि ये टारगेट ज़्यादा मिल रहे हैं, तो जितने अधिक से अधिक कमेंट करोगे, जितनी अपनी क्वेरीज को रखोगे, ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ बाकी एक स्टूडेंट नहीं, दो स्टूडेंट नहीं, बल्कि काफ़ी स्टूडेंट की समस्या हो रही है कि टारगेट ज़्यादा उन्हें दिए जा रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको कम कर दूंगा। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ कि जो सोर्स मैं आपको बता रहा हूँ, सिंगल सोर्सेज की मैं बात करता हूँ, मल्टीपल रिवीजन की बात करता हूँ, कि ज़्यादा रिवीजन करो, सिंगल सोर्सेज को फॉलो करते हुए, उस आधार पे 5 घंटे का टारगेट बहुत इजीली अचीव किया जा सकता है 5 घंटे के आपके डेली लाइफ में। और अगर आप अपनी पढ़ाई के लिए 5 घंटे भी नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप सिविल सर्विसेज के लायक हो ही नहीं। क्यों नहीं हो? क्योंकि सिविल सर्विसेज के व्यक्ति में पेशेंस नाम की बहुत चीज़ होती है, परसिवरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको एक समाज को संभालना है, एक प्रशासन को संभालना है, उस समाज को जो आपके ऊपर निर्भर है, आपकी प्रशासनिक क्रियाविधि पर निर्भर है। और अगर ऐसे में आपके पास लगन नहीं है, दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, कई बार पढ़ते हो ना सुधार के रूप में कि प्रशासनिक इच्छा शक्ति में कमी, राजनीतिक इच्छा शक्ति में कमी, तो आप राजनेता तो नहीं हो, लेकिन आप प्रशासन के लोग तो हो। आप में ही अगर इच्छा शक्ति की कमी होगी किसी चीज़ को सुधारने की, तो इसका मतलब है आपने शुरू से इच्छा शक्ति को मजबूत नहीं किया। और मैं अपनी इच्छा शक्ति को बहुत मजबूत करता हूँ, मैं रात 2 बज जाए 3 बज जाए लेकिन अपने डेली टारगेट्स को पूरा करता हूँ। दिन में मैं सर्विस करता हूँ, रात में अपने टारगेट्स को पूरा करता हूँ, ताकि मुझे जितना पढ़ना उतना पढ़ के ही सोऊंगा, चाहे भले मेरे को एक दिन 2 घंटे कम सोना पड़े, या कभी कभी तो ऐसा होता है दोस्तों मैं रात भर सोता ही नहीं हूँ, सुबह 2 घंटे बजते हैं, 4-5 बज जाते हैं, 2 घंटे बाद निकलना होता है सर्विस के लिए, तो मैं 2 घंटे मूवी देखता हूँ बैठ के, कि 2 घंटे में मेरी नींद पूरी नहीं होगी, इससे बड़े मैं 2 घंटे मूवी देख लूँ। मैं इस तरीके से करता हूँ, लेकिन मैं अपने टारगेट को दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ पूरा करता हूँ। तो आप भी इस तरीके से पूरा करो। और हमारा डेली रिवीजन बॉक्स मैंने बताया कि अब आपका रिवीजन भी चलेगा। कल मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया था रिवीजन के तौर पे, और आज मैं आपको बौद्ध और जैन धर्म के बारे में रिवीजन की सीरीज दे रहा हूँ। लेकिन ध्यान देना कि बौद्ध और जैन को जब भी आप पढ़ो, तो इस बार आप रिवीजन जब करोगे, जैसे इससे पहले पढ़ने को मैंने जब कहा था तो आपने सिंगल सिंगल पढ़ा था, लेकिन अब आपको तुलनात्मक रूप में पढ़ना है, क्योंकि दोनों के जो दर्शन है, वो शिक्षाएं हैं, जो विचार हैं, जो पद्धति है, जो संगम साहित्य, मतलब कि इनकी जो संगतियां हो रही थी, बौद्ध संगति, जैन संगति, तो इनमें बहुत सारा हमें डिफरेंसेस देखने को मिलता है, लेकिन बहुत छोटा छोटा अंतर होता है, जिसकी वजह से वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपको इस बार क्या करना है, तुलना करते हुए पढ़, तुलनात्मक रूप में। जैसे मान लीजिए महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं पढ़ रहे हो, उसी समय आप जैन धर्म की शिक्षा पढ़ो, और अगर आप जो है कि उनकी बौद्ध संगति पढ़ रहे हो, तो उसी समय आप जैन धर्म की संगति पढ़ो, या उनके ब्रह्मचर्य के सिद्धांत को पढ़ रहे हो, तो जैन धर्म के ब्रह्मचर्य को पढ़ो। अगर आप महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ उनके जीवन पद्धति से पढ़ रहे हो, तो महावीर स्वामी के बारे में पढ़ो। ऐसे जब कंपैरिजन करके पढ़ोगे ना, तो आपके डिफरेंसेस जो है कि जितने जो डाउट्स हैं वो कम होते जाएंगे। और इनके लिए अगर सोर्सेज की मैं बात करूं, लेकिन एक आपसे शिकायत रहती है दोस्तों, आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो। मुझे सब यहाँ पे दिखता है अपनी वीडियो के बारे में, जब मैं उसकी डिटेल देखता हूँ, तो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और आपसे एक शेयर नहीं होता, लाइक नहीं होती वीडियो, बताइए, ये मेरे मोटिवेशन को डाउन करता है दोस्तों। और फिर मुझे लगता है कि मैं क्या ही मेहनत कर रहा हूँ, इससे बढ़िया मैं अपनी तैयारी कर लूँ, मैं ही सिलेक्शन ले लूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों का जो सबसे बड़ा नुकसान है ना, उस चीज़ के नुकसान की भरपाई करूँ, मैं जितना भी योगदान कर पाऊँ, हिंदी मीडियम को बेहतर से बेहतर रिजल्ट की ओर ले जाने का मेरा प्रयास लगातार बना रहेगा। लेकिन कभी कभी बस सच बताऊँ ना, यूट्यूब छोड़ने का मन करता है कि यार छोड़ दो, लेकिन फिर लगता है कि नहीं, 50,000 लोगों का जो भरोसा है मेरे ऊपर, उस भरोसे को मैं एक झटके में छोड़ के नहीं जा सकता। मुझे अपने मतलब इस तरीके के कायरता वाले गुण नहीं दिखाने हैं, तो मैं छोड़ के नहीं जाता हूँ। लेकिन आपसे तो उम्मीद कर ही सकता हूँ, और आप मेरी अपनी फैमिली हो, तो वीडियो को लाइक किया करो, अधिक से अधिक शेयर किया करो लोगों के साथ, ताकि हमारे भी जो है कि लोगों तक जब वीडियोस पहुँचेगी तो मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, अच्छे अच्छे लोग जो है कि जुड़ रहे हैं, सीरियस एस्पिरेंट इससे जुड़ रहे हैं, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। अच्छा, अब सोर्सेज की मैं अगर बात करूँ, तो मैंने एंशियंट हिस्ट्री के लिए मैंने आपको बताया था कि मेरे प्रीलिम्स प्लस मेंस के जो नोट्स है ना, वो घटना चक्र के नोट्स के बराबर ही है, यानी उससे बेहतर मैं मानता हूँ। क्योंकि जो घटना चक्र नोट्स है, यानी कि जो बुक है जो मैंने आपको कई बार दिखाया टारगेट 1, 2, 3, 4 में, इसके शॉर्ट नोट्स हमने बना रखे हैं हर एक सब्जेक्ट के, आप इसे भी देख सकते हो। अदरवाइज प्रीलिम्स प्लस मेंस के नोट्स भी आप ले सकते हो एंशियंट हिस्ट्री के। अच्छा, एक चीज़ और, डिस्प्ले पे आपको जो नंबर दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको मैसेज करना पड़ेगा व्हाट्सअप, और यहाँ से आप इसको ले सकते हो। ठीक है, ध्यान देना कि जो हैंड रिटन नोट्स है दोस्तों, ये सारे के सारे पेड हैं। ठीक, उनकी क्लासेज जो मैंने कराई हैं वो सारी यूट्यूब पे फ्री है, लेकिन इनके हैंड रिटन नोट्स पूरी तरीके से पेड हैं। और पॉलिटी को भी अगर आप देखना चाहो, ठीक है, पॉलिटी के भी मैंने हैंड रिटन जो है कि तैयार कर रखे हैं, जहाँ पे सारे आपके जो टारगेट्स मैं दे रहा हूँ पूरे हो सकते हैं बहुत ईजिली। घटना चक्र पढ़ने के बाद आप इसको रिविजन भी कर सकते हो बहुत कम समय में, और ये सारे घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं। ठीक, तो ये आपको बेनिफिट दे सकता है। अगर आपको देखना है कि उसके बारे में कि उसकी क्या प्रासंगिकता है, तो आप उसकी क्लास देख सकते हो घटना चक्र शॉर्ट नोट्स के बारे में, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। फिर आपको अगर लगता है कि परचेस करना चाहिए, तो आप ले सकते हो। तो इस तरीके से आप इंडियन ज्योग्राफी, अच्छा ज्योग्राफी के मैं नोट्स दिखाना चाहूँगा, एक मिनट होल्ड कीजिए।
अब यहाँ पर आप देखोगे इंडियन ज्योग्राफी और क्या लिखा हुआ है, घटना चक्र के पूर्वालोकन के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स, जो कि बहुत ही छोटे मैंने कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे ये चैप्टर नंबर पहला है आपका घटना चक्र के अंतर्गत सामान्य परिचय, इसमें सारी चीजें मैंने इंक्लूड कर दी, किस तरीके से कौन कौन से देशों के बाद नंबर आता, जनगणना के आधार पर अक्षांशीय विस्तार वगैरह, ये सारा इसमें अक्षांशीय विस्तार आप देख सकते हो, सबसे सुदूरस्थ बिंदुओं के बारे में बात कर सकते हो, कौन कौन से स्टेट हमारी कौन कौन सी कंट्री के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसके साथ दूसरी चीज कि आपके कौन कौन से जो कंट्रीज हैं ये किस राज्यों से लगते हैं, कितनी इनकी दूरी है, कौन मिनिमम कौन मैक्सिमम जो है कि बाउंड्री शेयर करता है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे तैयार कर रखी है। तो आप ऐसे जो है कि नोट्स को फॉलो भी कर सकते हैं, और इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको जो मैंने व्हाट्सअप नंबर लिखा था अभी या फिर मैं लिख देता हूँ, आप यहाँ पे मैसेज करोगे तो वहाँ पे हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी और वहाँ पर ही आपको इसके बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी पेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। ध्यान देना कि ये मेरी टीम यूज करती है, और इसलिए आप लोग ये मत सोचना कि मैं यूज करता हूँ और मैं आपका रिप्लाई नहीं करता हूँ, मेरी टीम के मेंबर जो हैं वो कभी कभी बिजी भी हो जाते हैं, तो आपको रिप्लाई हो सकता है एक आध घंटे लेट भी मिलता होगा, ठीक, तो इसलिए परेशान आपको नहीं होना है। तो चलिए ये थे आज के आपके टारगेट, तो 10 नंबर का आज हमारा टारगेट है, और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरी पूरी कोशिश रहे कि हर 9वें दिन पे यानी हर 9वें टारगेट में आपके 1 से 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कराऊँ। 9 टारगेट कंप्लीट होते हमने एंशेंट हिस्ट्री कंप्लीट कर ली थी, बायोलॉजी कंप्लीट कर ली, और अगले 9 दिन आप मेरे साथ और लगातार करोगे, यानी कि टारगेट नंबर 19 तक आपकी देखोगे पॉलिटी खत्म होगी, इंडियन ज्योग्राफी भी खत्म होगी, PYQ भी खत्म हो चुकी होंगी, घटना चक्र के साथ साथ करंट अफेयर्स भी आपकी खत्म हो चुकी होगी 3 से 4 महीने की, क्योंकि हर 9 दिन में मुझे टारगेट बना के रखना है कि 2 कैब मैगजीन खत्म करनी। अब जैसे 9 दिन में हमने जनवरी और फरवरी कंप्लीट की, अब इसी अगले 9 दिन में मार्च और अप्रैल का आपकी कंप्लीट कराऊंगा। घटना चक्र का मतलब करंट अफेयर्स का जो सोर्स है, आप उसके लिए क्रॉनिकल या घटना चक्र की मासिक मंथली जो मैगजीन आती है, क्रॉनिकल की आती है, प्रतियोगिता दर्पण, किसी भी एक मैगजीन को फॉलो कर लेना। जो पुराने टारगेट्स हैं ना उसमें देखोगे तो मैंने डिटेल से सोर्सेज के बारे में बात की है। अब रोज़ रोज़ एक ही चीज़ के बारे में बात करना ठीक नहीं होता ना, क्योंकि उससे ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन जो टॉपिक है वो डिस्कस होना चाहिए अच्छे से। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी और टारगेट्स आप डेली फॉलो कर रहे होंगे, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और जल्दी मैं कल या परसों इस पर एक लाइव सेशन लेने वाला हूँ डेली टारगेट्स पर, जिसकी अपडेट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।